कमजोर इंसान तब रोता है जब जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं, प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आई, क्योंकि यदि छाव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों के कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। तो थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करे, ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो होगा वो समझेगा, जो पढ़ाया होगा वो छूटेगा। नेत्र में केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किस में क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक हुआ कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य क्या? आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी यह आपको आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। मुंह पर गढ़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों सिंचाई जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं, छुड़ा देती है नींद। घर की जिम्मेदारियां रात में जागने वाला हर इंसान हासिल नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे होते हो तो ये होता है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो उस समय निकल चुका होता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है।
जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी गरीबी दिन में दो बार सही समय बता देती। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि असफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो, आप अपना काम करते हो। युवक उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले होती, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वो रोशनी आप हो। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करना चाहिए, क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हो। किसी के दिल का दर्द समझना तो उसकी आंखों में देखो, दर्द चेहरे से छुप सकता है लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और स्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आती। अदब सीखना है तो कदम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को डोट भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना क्या आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोड़े नहीं होते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना और थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान हुआ करते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और कुंभावन बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर करना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है।
बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिन तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होती। किसी को डोट हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।